हम लोग यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट में इसी ब्लॉक में लगभग 3000 ट्राइबल फार्मर्स है। और यहाँ का ट्राइबल उनका उनको कंधों की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। पहले फार्मर यहाँ का छोटा छोटा जगह में प्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं था। जो भी छोटा मोटा पेच में वो वेजिटेबल कर रहा था, इंडिविजुअल कर रहा था, और जो भी उसका प्रोड्यूस आता था वो लोकल मार्केट में ही बेचता था। उसके बाद एक मिडिलमैन का प्रॉब्लम था, जैसे कि अगर फार्मर कोई वेजिटेबल उगाएगा तो कहेगा उसको मार्केट नहीं है, तो वो क्या करेगा, बीच में कोई मिडिलमैन है आसपास, वो उसके द्वारा वो उसको बेच देते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर प्रोग्राम यहाँ शुरू हुआ 2018 में, तब हम लोग को कुछ क्लस्टर बनाने का मौका मिला, जहाँ फार्मर को एक बड़ा पेच में काम करने का अवसर दिया गया। हम लोग खासकर हम लोग वोमेन फार्मर के साथ काम करते हैं, और वो सब सारे फार्मर SHG से बिलोंग करते हैं। उन SHG मेंबर को लेके कुछ प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें 40 से 150 तक मेंबर रहते हैं। जब हम लोग PG में प्रोड्यूसर ग्रुप में काम करना शुरू किए, जब हमारा क्लस्टर थोड़ा बढ़ा तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन भी बढ़ा, उनका इनपुट भी उनको ज़रूरत हुआ, उनको सर्विसेज को भी उनको देना था। तो इसी हिसाब से हम लोग को लगा कि यहाँ उनके उससे ऊपर भी एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, जिसमें ये पूरा जो फार्मर है यहाँ का 3000 फार्मर, उनको वो सर्विस दे सकता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हैं यहाँ, जिसका नाम है माँ शीतलामा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। वो तीन चीज़ करता है, इनपुट में फार्मर को जितना इनपुट चाहिए वो मोबिलाइज करता है, देता है। आउटपुट में जहाँ जितना वेजिटेबल उसका प्रोडक्शन होता है वो मार्केट लिंकेज करता है, वो पूरा वो सिस्टम वो एस्टेब्लिश किए हैं। इसके साथ मेजर है जो सर्विसेज, फार्मर को ट्रेनिंग देना, फार्मर का बहुत सारे उनका कैपेसिटी डेवलप करना, ये सब APO का काम है। फार्मर के इनकम इंक्रीज के लिए हम लोग तो क्लस्टर बढ़ाना था, और उसका क्रॉपिंग एरिया भी बढ़ाना था। हम जो क्रॉपिंग एरिया उसका बढ़ाए, तो हम लोग का प्रोड्यूस जब यहाँ शुरू हुआ तो हम लोग देखे एक दिन में लगभग 4 से 5 टन माल निकलता है जो वेजिटेबल्स। हम लोग उसी हिसाब से मार्केटिंग को लेना पड़ता था। अगर उस दिन डिमांड था मार्केट का 2 टन, और हमारे पास प्रोड्यूस उस दिन हार्वेस्टिंग हो गया 5 टन, मानो हमारा 3 टन रह गया। वेजिटेबल एक पेरिशेबल आइटम है, इसको हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। तो यहाँ हम लोग APC मॉडल में जो यहाँ शीतलमा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनके साथ एक 5 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज इम्प्लीमेंट किए हैं। तो लास्ट 1 ईयर 6 मंथ हो गया ये मॉडल को। तो मोस्टली हम लोग का मेजर फोकस है कि कैसे लोग यहाँ पे उनका कमोडिटी कैसे स्टोर करेंगे और अच्छे से कैसे मार्केटिंग करेंगे। और उसका स्पेसिफिकेशन के बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज का, तो ये 5 मेट्रिक कोल्ड स्टोरेज है, और यहीं पे जो ये पूरा DC सॉल्यूशन है, यहीं पे कोई ग्रिड कनेक्शन नहीं है। और अगर एट ए टाइम अगर हम लोग स्टोरेज करते हैं तो ये कंटिन्यूसली 25 डे तक वेजिटेबल रहता है। और उसमें अगर कमोडिटी का बात करेंगे, जो चिल्ली काबेज ये होता है मोर देन 20 डेज रहता है, और जो शॉर्ट टर्म जो होता है टमाटोस कॉलीफ्लावर, ये 1 वीक तक हम लोगों ने रख सकते हैं उसमें। ये मैनुअल ऑपरेट नहीं है, ये मोबाइल ऐप ऑपरेटेड है। और मोबाइल ऐप में अगर हम लोग स्टोरेज करते हैं जो वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल अगर टमाटो रखते हैं तो वो 10 to 11 degree टेम्परेचर में रहता है, वो मोबाइल ऐप से ऑपरेट होता है। अगर हम कोई भी कमोडिटी रखते हैं वो अपने आप अगर हम लोग सेट करते हैं ऐप में, तो वो एप्लीकेशन थ्रो ही टेम्परेचर अपने आप कोल्ड स्टोरेज ले जाता है। तो मार्केट को मुद्दे में रखते हुए और प्रोडक्शन को मुद्दे में रखते हुए, उनका लॉस को मुद्दे में रखते हुए हम लोग कोल्ड स्टोरेज यहीं पे इम्प्लीमेंट किए।